वेलकम टू दिस चैनल। जारी है मेरे चैनल पर रिव्यू सीरीज, जहां मैं रिव्यू कर रही हूँ 10 मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स को आपके लिए, जो आप सब ने रिक्वेस्ट किए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूंगी मैं अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्या है इसकी ड्यूरेबिलिटी, क्या है प्राइस, क्या फिनिश है इसकी, क्या कलर पे ऑफ है, वॉन्ट कैसा है। तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी छोटा सा पॉइंट आपसे मिस हो जाए। ऑल्सो रिव्यू सीरीज के प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट गाइज, द लिंक इज वेटिंग फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर अभी तक से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन गाइज। आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं गाइज, पर आपका एक सब्सक्राइब मीन्स अ वर्ल्ड टू मी गाइज, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें। ऑल्सो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट, तो मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर है ये गाइज। मेबेलिन हैज अ कम्प्लीट कोलोसल रेंज, जिसमें आपको कोलोसल काजल मिल जाता है, मस्कारा मिल जाता है एंड आईलाइनर भी मिल जाता है। बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है गाइज, सिर्फ 250 रुपीज में आपको ये आईलाइनर मिल जाता है। एंड 250 रुपीज तो इसकी एमआरपी है गाइज, पर ये आपको हमेशा बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था इसका प्राइस, तो आई थिंक मिंत्रा पे 174 रुपीज में अवेलेबल था ये आईलाइनर, इसीलिए बहुत सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये आपको मिल जाता है। तो आप बिल्कुल भी इसे एमआरपी पे परचेज ना करें गाइज, आप वेट करें ऑफर आने का, आप इसे ऑफर में ही परचेज करें। मूविंग ऑन टू क्वांटिटी, तो आपको 3 ml ऑफ क्वांटिटी मिल जाती है, विच इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एन आईलाइनर। 3 to 4 ml की क्वांटिटी में हमें जनरली आईलाइनर्स मिल जाते हैं। एंड पैकेजिंग भी इसकी बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड आईलाइनर पैकेजिंग जैसी ही है। काफी टाइम से ये आईलाइनर यूज कर रही हूँ गाइज, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू दे सकती हूँ। 3 years ऑफ शेल्फ लाइफ मिल जाती है आपको इस प्रोडक्ट में। आउटर पैकेजिंग में आता है ये आईलाइनर गाइज, एंड आपको डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी डिटेल्स, ये सब आपको आउटर पैकेजिंग पर ही मिल जाती है, जो मैंने ऑफकोर्स डिस्कार्ड कर दिया है। पर देखते हैं क्या क्या क्लेम करता है ये आईलाइनर। सो द आउटर पैकेजिंग सेज मेबेलिन कोलोसल बोल्ड लाइनर विथ 24 hours स्टे। तो बात करूं इसके स्टे की गाइस, तो बिल्कुल भी 24 hours स्टे नहीं करता है ये आपके आईज के ऊपर। अ गुड 4 to 5 hours के लिए आपके आईज पर स्टे कर जाएगा, पर अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ही ऑयली है, आपके आईलिड्स ऑयली हैं, तो आई थिंक ये 3 to 4 hours में फेड होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर्स, और 3 to 4 hours में फेड आउट होने लगता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लेम, तो इट सेज कि ये स्मज प्रूफ है एंड वाटर प्रूफ है, तो इसके लिए मैं आपको स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ टेस्ट दूंगी गाइज, जिससे आप खुद ही देख लेंगे कि ये सारे क्लेम्स कितने सच हैं। बात करूं कलर पे ऑफ की, तो इट इज जेट ब्लैक गाइज, इसका हैंड स्वॉच मैं आपको देना चाहती हूँ। तो एज यू कैन सी बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है इसका, इट इज जेट ब्लैक गाइज, एंड सिंगल स्वाइप पिगमेंटेशन आपको मिल जाती है, सिंगल स्वॉच में आपको 100% पिगमेंटेशन मिल जाता है, विच इज जेट ब्लैक। बात करूं एप्लीकेटर की वॉन्ट की, तो यू कैन सी कि इट हैज अ फाइन टिप, बट इतना ज्यादा फाइन भी नहीं है जिससे आपको लाइनर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए गाइज, दिस इज द परफेक्ट टिप। वन ऑफ द रीजन आई लव दिस आई लाइनर इज कि इसका टिप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइज, बहुत ही इजली आप इसे अपना लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत फाइन टिप भी नहीं है कि आपको अपने बोल लाइनर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो या लाइनर को फिल करने में प्रॉब्लम हो, और ना ही बहुत ज्यादा थिक है जिससे आप थिन लाइनर ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा कि आप स्वॉच में देख सकते हैं, आप थिक टू प्रिसाइज लाइनर जैसा आप चाहें वैसा ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। 30 to 40 seconds में ये आपके आईलिड्स के ऊपर कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है गाइज, एंड इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा प्रोडक्ट ट्रांसफर होने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक आपने अप्लाई किया, आपने आईज को खोला एंड वो आपके ऊपर क्रीज लाइन पर अप्लाई हो जाए, ऐसा भी इसमें बिल्कुल नहीं होता। While I was going through the features and the claims of this eyeliner, I came across that it is ophthalmologically tested, which means it has been tested and approved by a physician who is a specialized in eye care. तो ये एक बहुत ही different term मुझे मिला जो कि मुझे अच्छा लगा, which says कि ये product claim करता है कि ये प्रोडक्ट एक आई स्पेशलिस्ट के द्वारा टेस्ट किया हुआ है एंड अप्रूव किया हुआ है, ये आपके आईज को कोई भी हार्म नहीं प्रोवाइड करने वाला है। द फिनिश ऑफ द आईलाइनर इज कम्प्लीटली मैट गाइज, एंड वेट कर रही थी मैं कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए ताकि मैं आपको इसका स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ टेस्ट दिखा सकूं। तो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है ये, एंड स्मज करूंगी मैं इसे।
सो यू कैन सी गाइज बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, काफी प्रेशर के साथ स्मज किया है मैंने इसे, यू कैन सी बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ है। बट यस, अलोंग विद दिस मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लिड्स के ऊपर ये स्मज नहीं होता है गाइज, पर 3 to 4 hours में अगर आपकी लिड्स बहुत ज्यादा ऑयली है तो ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है गाइज। लाइक यू कैन सी कि ये स्मज तो नहीं हुआ है, पर इसे अगर मैं बहुत जोर से रब करूं तो ये फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू वॉटर टेस्ट, तो अप्लाई करूंगी मैं पानी इसके ऊपर, एंड दिस इज वॉटर गाइज, यू कैन सी ये मैंने पानी अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर एंड वाटर रेजिस्टेंट है, अभी तक से ये मूव हुआ नहीं है, पर अगर मैं जोर से इसे रब करूं तो यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा गायब हो गया। सो दिस इज नॉट वाटरप्रूफ गाइस, इसका वाटरप्रूफ जो क्लेम है वो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है गाइज। ऑफकोर्स वाटर रेजिस्टेंट है एज फार एज ये वाटर के सिर्फ कॉन्टेक्ट में आता है एंड रब नहीं होता है, ये टिका रहेगा आपके आईज के ऊपर, बट द मोमेंट आप इसे रब कर देंगे ये कम्प्लीटली गायब हो जाता है। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट गाइज, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं मैंने, फिर भी मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं जरूर आंसर करूंगी। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।